فأقول وبالله التوفيق الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما अल्लाह इज़्ज़त की तौफीक से हमारे कोर्स आए क़ुरान समझें आसान तरीके से इसका लेवल थ्री जारी और सारी है और लेवल थ्री में भी आप लोग कह लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से आज हम उसका लेवल थ्री का आठवां लेसन पढ़कर अपने uh, अपने चौदहवें पारे को मुकम्मल करने जा रहे हैं अल्लाह की तौफीक से हर पारे को हम चार सेशंस में यानी दो हफ़्तों में मुकम्मल करते हैं तो आज इनशा सूरत नहल की आयत नंबर अट्ठासी और से लेकर आयत नंबर एक सौ अट्ठाईस तक हम पढ़ेंगे और इस तरह हमारी सूरत नहल भी मुकम्मल हो जाएगी और हमारा चौदवा पारा भी शुरू हो जाएगा और आने वाला लेसन इनशा सूरत इसरा या जिसे आप सूरत बनी इसराइल कहते हैं सुबह असरा बेअही पंद्रवें पारे से और सूरत इसरा से इनशाला हमारा अगला पारा अल्लाह की तोफ़ी से शुरू होगा तो चलिए कोर्स के मकासद कोर्स का तारुफ आपके सामने है सूरत नहल है अल्लाह रब्ज़त की निशानियाँ आयात मशरकिन और कुफ़ार को दावत फ़िक्र उनको इस्लाम कबूल करने की दावत और अल्लाह रबुुल्ज़त की इस कायनत में जो फैली निशानियाँ हैं उन निशानियों के ज़रिए से उनको शुक्र की दावत और शिक्र क्या है अल्लाह की आयात पर अल्लाह की निशानियों पर इस ज़मीनों आसमान पर इन सूरज चांद सितारों पर इस आसमान से उतरने वाले पानी और इस पानी से निकलने वाले फलों पर अल्लाह का शुक्र ये है सबसे पहले कि इस्लाम को अल्लाह के बताए हुए दीन को कबूल किया जाए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया जाए और अपने आदा को अल्लाह की इतात के अंदर अपने औकात को अल्लाह की इतात के अंदर सर्व किया जाए उस और अल्लाह की नाफरमानी और गुनाहों से बचा जाए यह है अल्लाह का शुक्र अदा करना जुबान से भी शुक्र अदा करना और अमलन भी शुक्र अदा करना तो यही मैंने कहा था इस सूरत का बुनियादी टॉपिक है तो चलिए पांच सफ हाथ पाठ कर इस सूरत को अल्लाह की तोफीक से मुकम्मल करते हैं सबसे पहला मौजूक कुफार के बारे में फरमाया तजी अलफारू वह लोग जिन्होंने कुफर किया वह सदन सबी और अल्लाह की राह से रोका सद रोकने के माना में है सद्दा या सुदू और रोका किस से रोका अल्लाह की राह से अच्छा अब देखे उनका डबल गुना है एक तो खुद किया दूसरा जो ईमान लाने चाहते थे उनको रोका तो मुश्रिक मक्का इन दोनों कामों के अंदर शरीक हुए अच्छा जो भी काफिर कुफर करेगा और दूसरों को हिदायत से रोकेगा भी तो ये उसका डबल गुनाह है तो देखे अंजाम क्या है जिद ना हम आजाबन हम उन्हें अजाब में ज्यादा करेंगे फोक अदाब अजाब के ऊपर मतलब अजाब पर अजाब देंगे वजह बीमा बसब उसके जो कानू य वह फसाद करते थे तो पता चला कुफर करना और फिर एहले इस्लाम को अहले ईमान को इस्लाम और ईमान पर अमल से रोकना यह फसाद है बोलेंगे क्या है फसाद तो ये काम चुके, उनके फसाद पर मबनी थे तो इस वजह से हम उन्हें क्या करेंगे दुगना अजाब देंगे अल्लाह अकबर अगली आयत बड़ी खूबसूरत आयत है, आयत नंबर एटी नाइन आयात तो सारी खूबसूरत होती हैं, लेकिन बाज आयात अपने माना मफहूम तजगीर के लिहाज से तो इ, इ, ये जो आए थे आयत नंबर एटी नाइन इसमें नबी करीम सल वसलम की गवाही का जिक्र है और आपकी उम्म की गवाही का जिक्र है पहले तर्जमा सुनिए तरफ आते हैं योम जिस दिन हम उठाएंगे हर उम्मत से एक उन पर गवाह होगा उन पर मिनिम उन्हीं में से होगा वो गवाह कोई गैर नहीं होगा वो उन्हीं में से होगा वह जि नाबिका नबी करीम सलम से क्या फरमाएगी वह जे नाबिका और आपको लाया लाएंगे हम जेना का लफ्जी मतलब है ना हम आएंगे लेकिन जेना के बाद क्या आया बा तो मतलब क्या है लाना ना भी का, और हम आपको लाएंगे शहीदन अला हा उलाई इन सब पर और आपको हम इन सब पर गवाह बनाकर लाएंगे अल्लाह पहले इतनी आयत की तफसीर सुन लीजिए सही बुखारी की रिवायत के अंदर इसकी तफसीर आती है इस क्यामत के दिन का ये जो मंजर है इसकी तफसील आती है वो ऐसे होगा कि कियामत के दिन तमाम अंबिया व रसूल यानी इससे ये जो मुराद है ना हर उम्मत पर एक गवाह आएगा तो इससे मुराद उस गुरो का उस उम्मत का जो रसूल है वो मुराद है हर उम्मत पर एक गवाह होगा और नबी करीम सल वसलम को गवाह लाया जाएगा कैसे मतलब अल्लाह इज्जत हर नबी और रसूल से पूछेंगे सही बुखारी की हदीस का मफ़ूम है कि क्या आपने अपनी उम्मत को यह पैगाम पहुंचा दिया वो नबी और रसूल कहेंगे हाँ ए अल्लाह मैंने अपनी उम्मत को यह पैगाम पहुंचा दिया तब अल्लाह इज्जत यह फरमाएंगे कि इस पर क्या गवाही है आपके पास कि आपने अपनी उम्मत को यह पैगाम पहुंचा दिया तो वो अंबिया और रसूल कहेंगे ए अल्लाह तू हजरत मोहम्मद सल्ला जो आखिरी नबी और रसूल है उनकी उम्मत से इस बारे में पूछ वो गवाही देंगे कि हमने पैगाम पहुंचाया अल्लाह और हम उम्मत मोहम्मदिया गवाही देंगे कि हाँ अंबिया और पहले अंबिया व रसूल थे अल्लाह उन्होंने अपनी अकवाम को अपने ग्रोहों को तेरा पेगाम पहुंचाया था और हदीस के मुताबिक हमें यह बात कैसे पता चली हमें कुरानी मजीद के जरिए यह बात पता चली बी करीम सल्लम के जरिए से यह बात पता चली अल्लाह तो यह मतलब है यह किताब, मतलब किताब वजाहत है कुरान मजिद के यहां पर चार कुरान मजिद की कितनी सिफात है चार सिफात यहां पर बयान हुई नंबर एक के ये कुरान मजीद तीबीन लिकुल्लीशही हर चीज़ की वजाहत है हुदन और ये हिदायत है वह रहमत और ये रहमत है वह बुशरा और यह खुशखबरी है मुसलमानों के लिए हर चीज की वजाहत है इस कुरान में ये किताब हिदायत है ये किताब रहमत है और ये बुशरा है ये अहले ईमान को खुशखबरी भी देती है कि उनके लिए अल्लाह के यहां जन्नात है अल्लाह के यहां बेहतरीन बदले हैं तो यह अहले ईमान के लिए खुशखबरी है यह उनको फतह की खुशखबरी भी देती है और यह उन्हें जन्नत की खुशखबरी भी देती है फरमाया बेशक अल्लाह हुक्म देता है आदल का वल एहसान और एहसान का वा ईता कुरबा और करीबी रिश्तेदारों को देने का तीन चीजों का अल्लाह हुक्म देता है आपके में ये आयात खासकर अरब अरब मुमालिक के अंदर जो जुमे खुतबात वगैरह होते हैं और हमारे यहां भी अक्सर खुतबात में उनमें ये आयत पढ़ी जाती है तो इस आयत के तर्जे को इस आयत की तफसीर को अच्छी तरह से सुनिए इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीन काम करने का हुक्म दिया और तीन काम करने से मना किया और याद रखिए जब पुरानी मजीद के अंदर ऐसे अल्फाज आते हैं ना कि अल्लाह हुक्म देता है तो उस चीज की अहमियत के अंदर कई गुना इजाफा हो जाता है तो अल्फाज क्या है फेल बेशक अल्लाह हुक्म देता है बिलादली, अदल का अदलो इंसाफ वल एहसान करने का व ईता ई कुरबा और करीबी रिश्तेदारों को देने का ईता का क्या मतलब है? देना कुरबा करीबी रिश्तेदारों को नंबर तीन इन तीन कामों को का अल्लाह हुक्म देता है तीन कामों से अल्लाह मना करता है वह और वह रोकता है अनिल फहशा, फहाशी से वल करी बुराई से वल बगी और जुल्म से और अल्लाह फहाशी से बुराई से और जुल्म से बगावत से अल्लाह रोकता है याद हुकुम वो अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है लाकुम तदक करूँ ताकि तुम नसीहत पकड़ो वो अल्लाह तुम्हें वाज कर रहा है नसीहत कर रहा है ताकि तुम नसीहत पकड़ो अल्लाह तो आप तीनों काम देख लीजिए यहां पर यानी जिन तीन कामों का हुक्म दिया गया ये तीनों काम असल में इनका ताल्लुक हकूकुल्लाह के साथ भी है और हकूकुल इबाद के साथ भी है इबादत में अदल करना यह है कि जिस अल्लाह ने पैदा किया उसकी इबादत की जाए अल्लाह एहसान करना इबादात को अच्छी तरह से अदा किया जाए करीबी रिश्तेदारों को देना यानी इन तीनों अमाल का ताल्लुक रिश्तेदारों को जब आप देंगे तो अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए देंगे यानी तीनों कामों में अल्लाह के हकूक भी अदा होंगे और अल्लाह के बंदों के हकूक भी अदा होंगे आप जब अदल करेंगे अदलो इंसाफ औलाद में अदल करेंगे आपके पास फैसला आएगा आप अदल करेंगे आपको काजी बनाया जाएगा आप अदल करेंगे तो यह अदलो इंसाफ है अल्लाह की मखलूक के दरमियान आप लोगों के साथ अच्छा सलूक करेंगे ये एहसान है आप करीबी रिश्तेदारों को देंगे उनका ख्याल रखेंगे तो ये यहूकली बात भी अदा होंगे और अगले जो तीन काम है अल्लाह मना करता है फहाशी से बुराई से और जुल्म से वल बागी अल्लाह इन तीन कामों से तुम्हें रोकता है तो अगर हम अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए फहाशी से बचेंगे बुराई से बचेंगे जुल्म से बचेंगे तो इससे हकूक भी अदा होंगे और अगर हम फहाशी से बुराई से जुल्म से बचेंगे तो अल्लाह के बंदों भी के हकूक भी अदा होंगे देखिए ना फहाशी मुआशरों के अमनो अमान को तबाह कर देती है घरों को तबाह कर देती है बुराइयां जब आप बुराइयां अल्लाह के बंदे बुराइयां करते हैं तो यकीन अल्लाह के बंदों के ही हकूक पामाल होते हैं अलबग ये जुल्म करते हैं अल्लाह के बंदों के ही हकूक अदा होते हैं अल्लाह तो ये आप कह लीजिए ये जुल्म और बगावत के माना में ये इस्तेमाल होता है अलबत् जो जुल्म के लिए जुल्म का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया जुल्म के लिए बग का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया तो बग ये ऐसे जुल्म को कहते हैं जिसमें बगावत का अंसर भी गालिब होता है एक जुल्म है किसी का किसी पर जुल्म करना और एक जुल्म है कि बगावत के साथ और अदावत के साथ दुश्मनी के साथ किसी को जुल्म की चक्की में पीसना इसको बगी कहते हैं तो अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत पकड़ो मजीद अल्लाह ने क्या हुक्म दिया वह औु ब्याह दिल्ला अल्लाह के अहद को पूरा करो इदा आहद तुम जब तुम अहद करो न कदुल ऐमाना और ऐमान यमीन की जमा है तुम कसमों को ना तोड़ो ना कदम से फेल नहीं है अल्ला मत तोड़ो अलाइमाना कस्मों को बदत इनके पुख्ता हो जाने के बाद कस्मों के पुख्ता हो जाने के बाद तुम इन्हें ना तोड़ो वक़द जाम और तहकीक तुमने बना लिया है आलही कुम अपने आप पर अल्लाह को तुमने बना लिया है क्या बना लिया है कफीला जामीन जमानत देने वाला तुमने अल्लाह को जामीन बना लिया है कफील बना लिया है तो इसके बाद तुम्हें चाहिए तुम कस्मों को ना तोड़ो इन अल्लाह अल्लाह जानता है अल्लाह जानता है मा तफालू जो तुम करते हो जो तुम्हारे अफाल हैं बेशक अल्लाह उनके बारे में अल्लाह जानता है तो यहां पर कस्मों को पूरा करने का अहदों को पूरा करने का हुक्म दिया गया कि कस्मों को खासकर उनके पुख्ता देखिए एक कसम वो है कसम की दो किस्में हैं आगे चलकर उसकी तफसील आएगी भी कसम की दो किस्में हैं एक होती है यमीन लगव यमीन लगव वो है जो आप कसदन इरादतन नहीं उठा रहे बात करते करते मुंह से वल्ला निकल गया जैसे अरब के अंदर आम कल्चर है वल्ला या बिल्ला निकल गया मुंह से ये कसम पुख्ता नहीं है हा एक शख्स पुख्तगी के साथ कसम उठा मैं अल्लाह की कसम उठाता हूं कि मैं ये काम करूंगा या मैं ये काम नहीं करूंगा तो जब कसमें उठा लो अल्लाह की तो इनको पुख्तगी के बाद ना तोड़ा करो तो की मजबूत हो जाने बाद कस्मों को ना तोड़ा करो तुमने अल्लाह को जामिन बनाया है अल्लाह की कसम यानी अल्लाह का नाम लेकर कसम खा रहे हो अल्लाह को तुमने जामिन बनाया तो तुम अपनी कसमों को तोड़ते हो जो तुम करते हो अल्लाह उसको जानता है ये जो आयत है आयत नंबर नाइनटी टू इसको अच्छी तरह से समझिए क्योंकि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मिसाल को भी आन की और इस मिसाल का ताल्लुक पिछली आयत नंबर नाइनटी वन के साथ है कस्मों को तोड़ने के साथ कि कस्मों को पुख्ता कर लेने के बाद ना तोड़ो तो यहां पर क्या फरमाया तकूनू और ना तुम हो जाओ कल उस औरत की तरह जो या जिसने न तोड़ दिया गजला अपने सूत को अपने सूत को उसने तोड़ दिया मीम उसके मजबूत हो जाने के बाद अनकासा टुकड़े टुकड़े अच्छा अब सूत किसको कहते हैं वो जो लकड़ी की एक जिसे खड्डी कहते हैं उस खड्डी पर वो जो कपड़ा बुना जाता था वो जो कपड़ा उस पर बुना जाता था उसको सूत कहते हैं कि किसी औरत ने उस सूत के मजबूत हो जाने के बाद उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया उस औरत की तरह ना हो जाओ क्या कोई उस औरत को समझदार कहेगा जो अपने हाथों से कपड़ा बुनती है और फिर उसको टुकड़े टुकड़े कर देती है तो यही मिसाल है कसम को पुख्ता कर लेने के बाद उसको तोड़ने की अल्लाह फरमाया तीदू तुम बनाते हो अपनी कसमों को या ताकि तुम बनाओ अपनी कस्मों को दखलन बई आपस में दखलन का लफ्जी मतलब आप कह लीजिए कि धोखे के धोखे का सबब बनाते हो आपस में दखलन बई तुम यानी कस्मों के जरिए एक दूसरे को धोखा देते हो अंतकुना उम्मत ये के हो जाए उमत एक गरो ही या अरबामिन उम्मतिन ज्यादा फायदे वाला रिबा रिबा सूद को भी कहते हैं ना जिसमें बढ़ोतरी होती है ठीक है तो इसी से इसम तफदील है अरबा ज्यादा फायदे वाली मिनुमत इन एक ग्रोह से यानी तुम कस्मों को आपस में एक दूसरे को धोखे का सबब बनाते हो ताकि एक ग्रोह दूसरे से ज्यादा माल वाला ज्यादा फायदे वाला हो जाए तो ये मत समझो कि तुम अगर कसम खाकर माल हथिया लोगे और वो उससे तुम अपने माल में ज्यादाती करोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा नहीं असल में बात यह है कि इन नमा अल्लाह तुम्हें इससे आज़माता है बस बात यह है कि अल्लाह तुम्हें इससे आजमाता है नंबर एक नंबर दो दुनिया में मतलब ये आजमाइश है और वो जरूर वाजे करेगा तुम्हारे लिए क्यामत के दिन है शुरू में लाम आया ताकीद का आखिर में नून आया न अलबत् वो जरूर वाजे करेगा तुम्हारे लिए क्यामत के दिन माँ तुम फी तख्त जिसमें तुम इख्तिलाफ करते थे जिन चीजों में तुम इख्तिलाफ करते थे अल्लाह कयामत के दिन जरूर तुम्हारे लिए वो वाजे करेगा अल्लाह अकबर तो ये कह लीजिए हमारा आज का पेज सेवेंटी टू सेवन सेवन चल रहा है जिसका आखिरी टॉपिक है वलो शाह अल्लाह और अगर, अगर अल्लाह चाहता अलबत्ता बना देता तुम्हें एक ग्रोह अल्लाह अगर चाहता तो तुम्हें एक ग्रोह बना देता कि वो यशा और लेकिन वो गुमराह करता है मैशा जिसको चाहता है वह थी मैशा और जिसको चाहता है वो हिदायत देता है वाला तुस और अलबत्ता तुमसे जरूर सवाल किया जाएगा किस चीज के बारे में अम्मा आन के दो मतलब है से या अबाउट के माने में बारे के माने में यहां पर अबाउट के माने में तुमसे सवाल किया जाएगा अम्मा कुन तुम तामलून उस चीज के बारे में जो तुम अमल करते थे जो तुम अमल करते थे उसके बारे में जरूर तुमसे सवाल किया जाएगा अल्लाह हु अकबर और ये जो मौजू है वलाऊशा अल्लाह अल्लाह लजअलकुम उम्मतन वाहिदा ये एक से زائد مرتبہ हमारी तफसीर में पहले गुजर चुका है तो चलते हैं नहल चौदवें पारे के सफ़ा नंबर दो सौ अठहत्तर की तरफ जो कि चौदवें पारे का गालबन सफ़ा नंबर ये सत सत्रह है क़ुरान मजीद का सफ़ा नंबर दो सौ अठहत्तर है पारा नंबर चौदह है इस सफ़े पर जो आयात हैं वो नाइनटी फ़ोर से लेकर वन जीरो टू तक हैं आप इन आयात को देखिए मुख्तलफ़ इनके अंदर इशारात हैं और मौजूत हैं शुरू का जो पहला मौजू है वो वही कस्मों के बारे में है कुरानी मजीद का शायद ये वो मुकाम है जिसमें कस्मों के बारे में पैमान के बारे में सबसे तफसील से बयान किया गया और दूसरा मौजू भी इससे मुतालिक है और दूसरे मौजू के अंदर ही हयात तय्यबा का है। बड़ी खूबसूरत जिंदगी तो चलिए जानते हैं हयात तयबा कौन सी है खूबसूरत जिंदगी कौन सी है अल्लाह ने फरमाया और ना तुम बनाओ ऐ मा नुम अपनी कस्मों को दखल अन बी नकुम आपस में धोखे का जरिया फिसल जाए ताकि फिसल जाए कोई कदम बाद उसके साबित हो जाने के बाद तुम अपनी कस्मों को आपस में धोखे का सबब ना बनाओ धोखे का जरिया ना बनाओ ताकि कोई कदम उसके पुख्ता हो जाने के बाद फिसल जाए व तुकू असू आ और तुम चखो बुराई को बीमा सदत तुम जो तुमने रोका के रास्ते से वालकुम और तुम्हारे लिए बड़ा आजाब है तुम्हारे लिए बड़ा है। मतलब तुम की कस्में कर, का नाम एक दूसरे को धोखा देने का सबब बनाते हो ताकि कोई कदम पुख्ता हो जाने के बाद फिसल जाए यह ना हो कि तुम्हारी कस्मों की वजह से कोई शख्स राह हिदायत से दोबारा गम या जलत की तरफ आ जाए और तुम जो उसे अल्लाह की राह से रोकने का सबब बने हो तुम इस चीज का इस चीज की बुराई को और इस चीज के अजाब को चखो क्योंकि कुफार और मुशरकिन का ये उनका एक अमल था कि वो नबी करीम वसल्लम और दीन इस्लाम के कबूल करने से लोगों को रोका करते थे और अल्लाह की कस्में उठाकर यह बात कहा करते थे कि हम सच्चे हैं और अगर ये मोहम्मद तुम्हें जिस अजाब से डराते हैं अगर ऐसा कोई जाब हुआ तो हम देख लेंगे तो अल्लाह ने ये जो तुम कस्मे खाते हो अल्लाह की राह से रोकने की तो कोई फिसल सकता है और तुम फिर अजाब चखोगे वसु आ बिमा सदत तुम आन जो तुमने अल्लाह की राह से रोका सदा यदू से फेल माजी सदत तुम कलीला थोड़े दामों में अल्लाह के अहद को ना बेचो, वाला तश्तरू ना तुम बेचो के पीछे तुम के आहद को बेच देते हो, तोड़ देते हो इन नो अल्लाह के पास है वो बेहतर है तुम्हारे लिए इन कुमोन अगर तुम इलम रखते हो अगर तुम जानते हो तो जो इन अल्लाह है जो अल्लाह के पास है हुआ वो तुम्हारे लिए बेहतर है मा इकुम फू जो तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा नफाद खत्म हो जाएगा इंद और जो पास है बाकिन, वो बाकी रहने वाला है बाकी फेल है रायदा के स्टाइल पर उससे बाकीन जैसे था राह के पास है वो बाकी रहने वाला है और जो तुम्हारे पास है वो यन फदु वो खत्म हो जाएगा ये तो दुनिया के अंदर होगा ना कि अगर तुम इन कस्मों की वजह से दुनियावी फायदा चाहते हो तो जो तुम्हारे पास है वो तो खत्म होने वाले है जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है फिर फरमायादी और अलबत् हम जरूर बदला देंगे जजा देंगे उन लोगों को जिन्होंने सबर किया पहली आयात के अंदर तो जिक्र था कस्मों को तोड़ने वाले कुफार का, अब जिक्र है अहले ईमान का जो सबर करते रहते हैं फरमाया है। और अलबत् हम जरूर बदला देंगे उन लोगों को जिन्होंने सबर किया अज उनका अजर अच्छा कैसा बदला होगा जैसे उनके अमाल है वैसा बदला होगा नहीं बी कानू ईमा उससे अच्छा जो वो अमल करते थे दुनिया में जो वो अमल करते थे हम अहले ईमान को और अहले सबर को कयामत के दिन उससे अच्छा बदला देंगे अल्लाह सबर करना तो इससे पहले गलबन दो मरतबा में बयान कर चुका हूं सबर की तीन अकसाम है नेकी के काम करने पर सबर करना गुनाहों से बचने पर सबर करना और अल्लाह की तकदीर पर सबर करना आजमाइश के आने पर सबर करना तीनों किस्में हैं नेकी के काम करने के लिए भी सबर की जरूरत है आप नफली इबादत कर रहे हैं आप दीन का इल हासिल कर रहे हैं, कुरान का इम हासिल कर रहे हैं क्या इसके लिए सबर की जरूरत नहीं है आप अपने आप को गुनाहों से बचाते हैं नफ्स को दबाते हैं क्या इसके लिए सबर की जरूरत नहीं है अल्लाह तो फरमाया हम जरूर बदला देंगे अजर देंगे तफ्ल है ज्यादा अच्छा या याम जो वो अमल करते थे ये जो आयत है आयत नंबर नाइनटी सेवन जिसके अंदर हयातबा बड़ी खूबसूरत हयात तोयबा का जिक्र है क्या उनमें से हर कोई अच्छी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता जिसे हयातम तय्यबा कहा गया तो देखिए अल्लाह ने क्या फरमाया मन आमिलान जिसने नेक अमाल किए मिन जकिन मुजक्कर हो या मोहनस मर्द हो या औरत शर्त यह है कि वहिन वो मोमिन हो औरत है तो मोमिना मर्द है तो मोमिन हो ईमान की हालत में जिसने नेकमाल किए फल ये न हो अलबत् हम जरूर उसे जिंदगी देंगे या जिंदा रखेंगे कैसे हयातन तयीबा बड़ी खूबसूरत जिंदगी बड़ी तयीब जिंदगी उसे हम देंगे अच्छा, दुनिया में तो हयातम तयबा है तो आखिरत में अल्लाह क्या है अलबत् अच्छा हम जरूर बदला देंगे उन्हें उनका अजर कैसा देंगे बेहसन ई मां काम उससे अच्छा जो वो अमल किया करते तो ये अहले ईमान और अहले अमल और इससे हमें यह भी पता चलता है आयत नंबर नाइनटी से कि कोई भी नेक अमल अच्छा काम उस वक्त तक मकबूल नहीं है जब तक ईमान न लाया जाए देखिए बाद लोग ये सवाल भी करते हैं ना कि वो काफिर है लेकिन उसके काम बहुत अच्छे हैं एनजीओ चला रहे हैं वेलफेयर के काम कर रहे हैं सोशल वर्कर हैं बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हां मुसलमान नहीं है तो ठीक है जो वो काम कर रहे हैं दुनिया में उनका बदला यही है लोग तारीफ करेंगे उनका नाम बाकी रहेगा उसकी उ, उस उस ट्रस्ट में उस चीज में उनका नाम बाकी रहेगा ठीक है ये उनका बदला है लेकिन कयामत के दिन बदला इसलिए नहीं क्योंकि उनका क्यामत पर ईमान ही नहीं ना अल्लाह पर ईमान ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना दीन इस्लाम कबूल किया ना जन्नत जहन्नुम किसी चीज पर ईमान नहीं तो हम क्यों जबरदस्ती उन्हें जन्नत के अंदर दाखिल करवाने पर तुले हुए हैं ठीक है, है उनके अच्छे अमल है काबले तारीफ हैं उसका बदला यही है जो उनकी तारीफा दुनिया के अंदर हो जाती है हम अहले ईमान अपने कामों से दुनिया की तारीफ नहीं चाहते अल्लाह हम क्या के दिन इन अमाल का बदला चाहते हैं हमारे हमारे नामा अमाल के अंदर इनको महफूज फरमाना तो इस वजह से यह बड़ी खूबसूरत आयत के जो अमल करेगा मुजक्कर हो या मोनस मर्द हो या औरत हाँ शर्त यह है कि वाह हुआ मुकमीन ईमान की हालत में हम उसे दुनिया में भी अच्छी जिंदगी जिंदा रखेंगे जिंदगी देंगे और क्यामत के दिन उनके अमाल से बेहतर उन्हें बदला दिया जाएगा जकर की जमा जुकूर आती है और उनसा की जमा इनास आती है आया भी है फरमाया फरा तलाना पर एक बड़ी कायदे की बात है आयत का तर्जमा सुनिए फिर वो सुनिए फ़ाइदा खरा तल कुरआना जब आप कुरआन को पढ़ें जब आप कुरान को पढ़ें कुरान की तिलावत करें किरात करें फ बिल्ला तो अल्लाह की पनाह तलब कीजिए किस से मीन शेतौन रौजीम शैतान मरदूद से कैसे तलब करनी है आउ जु बिल्ला ही मीना शेतौन रजीम पढ़कर तो याद रखिए कुरान मजीद जो पढ़ने की दुआ है वो क्या है आऊ जुबिल्ला मीना शेतौन रजीम बिसमिल्ला जो है वो सूरत की इब्तिदा की दुआ है मतलब आप तिलावत शुरू करने जा रहे हैं हाँ नई सूरत शुरू करनी है तो फिर आउज बिल्ला बिमिल्ला दोनों पढ़ें लेकिन अगर आप सिर्फ तिलावत करना चाह रहे हैं नई सूरत नहीं कहीं दरमियान से जैसे आज हमने सूरत नहल दरमियान से पढ़ना शुरू किया आयत थटी एट से तो हम सिर्फ आउज बिल्ला ही नशी तो राजिम पढ़ेंगे याद रहेगा ना इन क्योंकि अल्लाह इज्जत ने हुक्म दिया जब आप कुरान पढ़ें तो क्या करें अल्लाह की पना मांगिए और बिसमिल्ला जो है वो हर सूरत की इब्तिदा का जिक्र है ठीक है अब ये जो दो आयात हैं आयत नंबर नाइनटी नाइन ननानवे और सो इन दोनों आयात के अंदर शैतान के ताल्लुक से बड़ी कुलिये और कायदे की बात बता दी गई कि शैतान का गलबा किन लोगों पर होता है और किन पर नहीं होता फरमाया इन ना हो ले सलाहु सुल्तान उन। उसका कोई गलबा नहीं है लेसा का मतलब नहीं के माना में है ले सुल्तान उसका कोई गलबा नहीं है किन पर आदी आन जो ईमान लाए हैं वह अलामक् और जो अल्लाह पर तोल करते हैं एहले ईमान और अहल तो उन पर शैतान का कोई गलबा नहीं है हाँ जी शैतान का गलबा किन पर है फरमाया सुल्तान हूँ उसका तो गलबा है उन लोगों पर जो यूं उसको वली बनाते हैं उसको दोस्त बनाते हैं शैतान का गलबा तो उन लोगों पर है जो उसको दोस्त बनाते हैं हुम भी मुशरिकून और जो उसके साथ शेर करने वाले मतलब शैतान को शैतान को इबादात में इतात में बात मानने में अल्लाह का शरीक बनाते हैं हाँ उन लोगों पर शैतान गालिब आता है जो शैतान को दोस्त बनाते हैं शैतान उन लोगों पर गालिब आता है मतलब जो शैतान की तरफ जाते हैं जो दोस्त बनाने का मतलब ये ऐसे काम करते हैं कि बजाते खुद अपने आप को शैतान की चालों में डाल रहे हैं हाँ जो अहले ईमान है वो गुनाहों से भी बचते हैं गुनाहों के करीब जाने से भी बचते हैं इस शायद को समझना हो तो उस साहित को साथ यहां पर जिक्र करना जरूरी है अल्लाह ने फरमाया ला फवाहिश फहाशी के करीब भी नहीं जाना ला तकर जना जिना के करीब भी नहीं जाना यानी ये जो फहाशी का काम है इसके करीब भी नहीं जाना आप जरा गौर करें करीब भी नहीं जाना मतलब करना तो दूर की बात है करीब हर वो काम जो इंसान को इस गुना तक ले जाता है वो काम भी नहीं करना एक शख्स कहता है फलां जगह सफर करना शायद के मुझे इस गुना में डालने का सब तो उस जगह की तरफ सफर करना भी जायज नहीं है क्योंकि फरमाए ला الزنا इस गुना के काम के करीब भी नहीं जाना तो यह मतलब है जो शैतान को दोस्त बनाते हैं खुद अपने आप को ऐसे फितरों ऐसे वसवजों के अंदर डालते हैं तो शैतान उन पर गालिब आता है हाँ जो अहले ईमान है अहल तवक्कुल है उनका उन पर शैतान का कोई गलबा नहीं है अगली जो आयत है आयत नंबर एक सौ एक सौ एक सौ दो इन दोनों आयात का जो टॉपिक है वो नासिक और मनसूख के बारे में है कि अगर कुरानी मजीद की किसी आयत के हुक्म को या आयत को मनसूख कर दिया जाता है बदल दिया जाता है तो इसमें अल्लाह की क्या हमतें हैं और इसी तरह कुरान मजीद की कुरानी मजिद की चंद सिफात जिक्र हुई तीन सिफात यहाँ पर जिक्र हुई बदल न आयतन और जब हम बदल दें किसी आयत को मकान आय किसी आयत की जगह पर मतलब एक आयत की जगह दूसरी आयत ले आए बीना बीमा वह अल्लाह बेहतर जानता है अल्लाह ज्यादा जानता है जो वो नाजिल करता है, है नबी करीम सर क्या बोहतान लगाते हैं कि आप तो गढ़ने वाले हैं नाउज बिल्ला ये कुरान आपने अपने पास से गढ़ लिया और उसकी तफसील आगे आ रही है फरमाया बल बल्कि अक्सर उनके अक्सर नहीं रखते हती जो बहुत लगाते हैं आप के गढ़ने का और कुरान मजीद के नजूल के बारे में और जब एक आयद को मनसूख कर दिया जाता है दूसरी कोई आयत आ जाती है उसके हुक्म को नासिक करने के लिए तो ये जो तरह तरह की बातें करते हैं असल में इसलिए करते हैं कि उन्हें इल्मी नहीं है बल अकसर या अलमून म ही नहीं रखते इस तरह से ऐसी बातें करते हैं कुल कह दीजिए नजला रोहल इसको नाजिल किया है रोहल कुदुस ने पहले गुजर चुका है रोहुल कुदस मुराद जबरीली अमीन है इसको रोहल कु ने नाजिल किया मेरे रब्बी का तेरे रब की तरफ से बिलहक की हक के साथ इस किताब को रोहल कु ने नाजिल किया हक के साथ वजह मजीद के तीन सिफात लियना ईमान वालों को ये किताब साबित कदमी दिलाए ताकि ईमान वालों को ये किताब साबित कदमी दिखाए और कुराने मजीद का नजोल साहबा किराम के लिए एक साबित कदमी और एक तसली का भी सबब होता था वाहन और ये किताब हिदायत है वह बुशरा और यह खुशखबरी है लिल मुसलिम इस्लाम के लिए यह किताब साबित कदमी का बाइस है ये हिदायत का बाइस है ये खुशखबरी का बाइस है अल्लाह अकबर कोई ये कहता है कि उसका दिल दगमगाता है तो कुरानी मजीद पढ़िए मजीद पर तदब्बर कीजिए तिलावत कीजिए यह अल्लाह ने फरमाया कि ईमान के लिए तस्वीर है कुरान के अंदर अल्लाह अकबर कोई भी परेशान हालात है उसे कहिए कि, कि कुरान मजीद पढ़े कुरान मजीद को समझे यकीन आप कुरान से दूर होते जा रहे हैं जिसकी वजह से आपके दिल में यह वसवसे या दिल डगमगाता है तो कुरान मजीद यह साबित कदमी का बास है ये किताब हिदायत है और यह खुशखबरी है ये खुशखबरी है अहले तो अलहमद ला सफर में टू सेवन एट मुकम्मल हुआ चलते हैं अपने तीसरे पेज की तरफ टू सेवेंटी नाइन अल्लाह अकबर जो मैंने अभी कहा कि तफसील आगे आ रही है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह बहुत बांधा करते थे कि नाउ बिल्ला वसल्लम को ये कुरान को ये आकर सिखा रहा है कोई शख्स है जो आकर ये कुरान सिखा रहा है तो उसकी तफसील है और ईमान के बाद कुफर करने वालों पर जो अल्लाह का गजब है उसकी तफसील है तो चलिए हम वन बाई वन इन मौजूद को पढ़ते हैं अल्लाह रब ने फरमाया वो कद नाअलमू अलबत् तहकीक हम जानते हैं नाअलमू हम जानते हैं क्या हम यकून ये कि वो कहते हैं इन बस यु सिखाता है हु उसको यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर को इंसान हम जानते हैं कि वो लोग ऐसे कहते हैं कि उसको कोई इंसान ये किताब सिखाता है अब अल्लाह रबुल्जत ने उनका ये जो बहतान था इसका रद कैसे किया फरमाया लिसानुल लदी लिसानदूना वो जुबान लिसान जुबान लैंग्वेजी जिसकी तरफ यदू वो नस्बत करते हैं ही उसकी तरफ। पर करने के वो जुबान जिसकी तरफ यह नस्बत कर रहे हैं आज वह तो अजमी है वह जुबान जिसकी तरफ ये ये जिसकी तरफ कह रहे ना यानी मुशरकिन मक्का यह कहा करते थे कि जो फुला यहूदी है या फलां ईसाई है मुख्त अशखाज के नाम लेते असल में वो आकर मोहम्मद को ऐसी बातें सिखा रहा है अल्लाह ने फरमाया जिसकी तरफ नस्बत कर रहे हैं वो तो अजमी है अजमी या शख्स को कहते हैं जो अरबी से नावाफ हो फरमाया वहादा और ये लिसान उन जुबान है अरबीन अरबी मुबीन बड़ी वाजे ये तो बड़ी वाज अरबी जुबान में है कुरान मजीद क्या उनकी अकलें नहीं काम करती जिसकी तरफ नस्बत करें वो तो अजमी है और ये तो बड़ी वाजी जुबान है अल्लाहन बेशक वो लोग जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते आजमायश क्या है हिदायत नहीं देता अल्लाह उनकी रहनमाई भी नहीं करता जो ईमान नहीं लाते वजब उन अलीम और उनके लिए दर्दनाक अजाब हैफ्तर बस झूठ गढ़ते हैं वो लोग जो लाबिया अल्लाह ला की आयात पर ईमान नहीं लाते व ओला और यही है झूठे लोग जो लोग अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते ये हैं जो झूठ गढ़ते हैं उनका काम ही इफ्तरा है दूसरों पर झूठ बांधना है तो नाउज बिल्ला मोहम्मद सल्ला वास से झूठ बांधने वाले नहीं है कुरान मजीद के बारे में बल्कि ये जो की आयत पर ईमान नहीं लाते दर हकीकत ये लोग हैं झूठ गड़ने वाले तो गोया के इन आयात के अंदर नबी करीम वसल्लम के लिए एक तसल्ली भी है कि मोहम्मद आपका सीना जो इनकी बातों से तंग होता है तो वो नहीं होना चाहिए क्योंकि अल्लाह के इल्म में है कि ये है असल में जूठ गड़ने वाले जो अल्लाह की आयात पर ईमान नहीं लाते और नबी करीम सल्लाम की रिसालत की गवाहीबुलजत ने

वो कौन है फरमाया मन कैफा बिस जिसने अल्लाह के, के, के साथ कुफर किया ईमान लाने के बाद ईमान लाने के बाद जिसने अल्लाह के साथ कुफर किया इसको जिसको मजबूर कर दिया जाए अक रहा युक फेल मजहुल जिसको मजबूर कर दिया जाए व कल बहुत और उसका दिल ईमान पर मुतमैन है और उसका दिल ईमान पर मुतमिन है हाँ यह शख्स मुस्तना है कि बाज दफा बंदा एहले ईमान में से है लेकिन होता है ऐसे है कि कोई काफिर जबरदस्ती ऐसी जबरदस्ती याद रखिए इस कराहत से मुराद उहा इस मजबूरी से मुराद ऐसी मजबूरी है जिसमें उसके या किसी के जान के जाने का खतरा है जान के जाने का खतरा है और उस शख्स ने अपनी जुबान से कोई भी कलमा कुफर अदा किया लेकिन शर्त यह है कल बुहु मुतमिल उसका दिल ईमान पर मुतमयन था बस उसने अपनी जान या किसी की जान को बचाने के लिए वो अल्फाज कहे तो ये शख्स उस कैटेगरी में नहीं आएगा ये शख्स उस कैटेगरी में नहीं आएगा जो बयान होने वाली है फरमाया वाकिन और लेकिन मन शराह बिल कु के साथ जो जिसका सीना खोल जाए क्या मतलब मतलब वो दिल से कुफर करे अगर कोई दिल से ईमान रख रहा है मजबूरन अपनी जान वगैरह बचाने के कुफर कर रहा है वो इस कैटेगरी में नहीं है हाँ वो बंदा जो दिल से कुफर कर रहा है इसे मुर्तद होना भी कह सकते हैं दीन इस्लाम को छोड़ना उस पर अल्लाह का गजब है लहुम नीन और उसके लिए बड़ा अजाब है ये काम क्यों हुआ अल्लाह ने वजह भी बता दी जाली का ये जो काम है भी बेना सबब इसका यह है कि उन्होंने ये कि उन्होंने इस तहबुल हयात दुनिया उन्होंने दुनिया की जिंदगी को पसंद किया है आल अल आखिरा आखिरत पर उन्होंने असल में दुनिया की जिंदगी को आखिरत पर क्या किया है तरजीह दिया पसंद किया है वह और यह अल्लाह दिल कौल अल्लाह रबुल इज्जत काफिर को उनको हिदायत नहीं देते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिर कौम को हिदायत नहीं देता उन्होंने ये जो कुफर को तरजीह दी ईमान लाने के बाद असल में ये दुनियावी फायदा है दुनियावी लालच है और याद रखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त काफिर कौम को कभी कभी हिदायत नहीं देता जी तो हमारा इस पेज का 279 का तीसरा टॉपिक है फरमायाकल लदीना अच्छा ये वो जो लोग जो ईमान के बाद जिन्होंने कुफ़र किया फरमाया उला इका यही वो लोग हैं अल्लादीना जो कि तबा अल्ला ने मोहर लगा दिया अला क्लूबिम उनके दिलों पर वह अला समा उनकी समातों पर वह अबसारहिम और उनकी बसारतों पर यह तीन अजाब हैं चौथा व उला इका और यही गाफिल लोग यही गाफिल लोग हैं है इनके दिलों पर इनकी समातों पर इनकी आंखों पर मोहर है और ये गाफिल लोग हैं। है फिल जरूरी है कि आखिरत में भी ये लोग ही खसारा पाने वाले हों तो अक्सर मैं ये बात कहता हूं कि देखें जहां पर सजाओं का जिक्र होता है वहां पर दुनिया दुनियावी और उखरवी दोनों सजाओं का जिक्र हो जाता है तो यहां पर सजाएं देखिए दुनिया की सजा यह है कि उनके उनकी समातों बसारतों दिलों पर मोहर है और आखिरत की सजा यह है कि आखिरत में वही है खसारा पाने वाले आखरत का खसारा और दुनिया के अंदर उनके ही नाजा पर मोहर मतलब हिदायत से उन्हें रोक दिया गया दुनिया में अल्लाह कितनी शदीद सजा है फरमाया ये जो आयत आयतम एक सौ बड़ी खूबसूरत आयत है जिस आयत के अंदर हिजरत करने वाले जिहाद करने वाले और सबर करने वालों का जिक्र है तीन सिफात सिफार फरमाए सुना रब्बा का बेशक आपका रब हाजर हो उन लोगों के लिए जिन्होंने हिजरत की फुतिनो इसके बाद के उन्हें फितने में डाला गया फिर बेशक आपका रब जिन लोगों ने हिजरत की इसके बाद के उन्हें आजमाइश में डाला गया फितने का एक लफ्जी मतलब आजमाइश भी होता है तो कुछ ये इनसे मुराद असल में मक्का के वो मुहाजरीन है जो कमजोर थे मक्का के अंदर जो मक्का के अंदर कमजोर थे उन्हें परेशान किया गया उन्हें आजमाइशों में डाला गया कुफार की तरफ से दीन इस्लाम से पलटने के लिए तो अल्लाह ने फरमाया फिर बेशक आपका जो रब है वो उन लोगों के लिए जिन्होंने हिजरत की कब हिजरत की बातिनू इसके बाद के उन्हें आजमाया गया फुतिनू फेल मछूल है नंबर एक हिजरत नंबर दो जाहदू, फिर जिहाद किया नंबर तीन वू और सबर किया बदला क्या है इन न रबा का बेशक आपका इसके बाद लगफोर रहीम करने वाला रहम करने वाला है गोया कि यह उन लोगों के लिए बिशारत है जो अहले हिजरत है एहले जिहाद हैं और अहले सबर हैं जिन्होंने इन तीन अमाल को किया अल्लाह अकबर बेशक आपका रब उनके लिए मुआफ करने वाला उन पर रहम करने वाला है आयत नंबर एक सौ ग्यारह में अल्लाह इज्जत ने आप कह लीजिए कि अल्लाह इज्जत ने आयत नंबर एक सौ ग्यारह में क्यामत के दिन का जिक्र किया सुन फिर हर जान आएगी तुझा जो अपने बारे में मुजादला कर रही होगी क्यामत के दिन हर जान आएगी

अपने बारे में मुजादला करेगी तो जा का मतलब जा से हा हा के स्टाइल पर मोनस है तो हर जान मुबास करेगी अल्लाह से अल्लाह मैंने ये अमल किए नहीं किए पर मुजादला कर नहीं सकेगी क्योंकि अगर कोई अपने किए हुए अमाल से इनकार करेगा तो अल्लाह ने फरमाया कि हम उस दिन उनके उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे और उनके आजाद जो हैं वो बोल बोलकर गवाही देंगे अलियोम व अफवाह वह तो अकबर तो ये हर नफ्स कयामत के दिन ये मुजादला करेगी ये जो ऊपर आए गुजरे ना आए तो मेरे एक सौ दस और अब इसके बाद मतलब इस हिजरत के बाद ये जो उनकी हिजरत है इसके बाद उनका रब उनके लिए मुआफ करने वाला है तो हिजरत मोहनस है इस से वह लफ्ज मोहनस आया ये तस्मिया के लिए नहीं है ये मोहनस के लिए है तो चले जी चलते हैं आज के सफ़ा नंबर दो सौ की तरफ ये हमारे चौदह पारे का सेकंड लास्ट पेज है पेज नंबर 19 है कुरान मजीद का सफ़ा नंबर दो है इस सफ़े पर आयात 112 से लेकर 118 तक का आयात हैं इन आयात को मुख्तफ इशारा और मौजूद के अंदर तकसीम किया गया पहला जो इशारा आपको दिखाई दे रहा है तो एक बस्ती की मिसाल ब्या की गई दूसरा जो इशारा है उनके अंदर चार चीज़ों के हराम होने का जिक्र है और उसके बाद अल्लाह रब्बुल रबुल्जत पर हलालो हराम के बारे में जो झूठ वगैरह गढ़ा जाता है उसका जिक्र है कुरान की मिसालों को अच्छी तरह समझा करें हती के कुरान की मिसालें आपकी जहनी वसत का बायस भी बनती हैं आपके सोचने में आपके बात करने में भी फर्क आता है कुरानी मिसालों पर गौर वफिक करने से उलमा और मुफसरीन ने ऐसे कहा फरमायाल्ला ने वह दार अल्लाह ने एक मिसाल को बयान किया कर एक बस्ती की कानत जो थी आमीनतन अमन वाली मुतम इन्नतन वाली आमीना मुतम इन्ना यतीहा आता था उस बस्ती के पास रिस्क हा उसका रिस्क रगदन वाफर मकदार में मिन मिनकुल मकान हर जगह से उस बस्ती के पास हर जगह से उसका रिस्क आता क्या हुआ फारत उसने नाशुकरी शुक्री कर दी बे अल्लाह की नेमतों के साथ उस अल्लाह की नेमतों की ना शुक्री कर दी सजा अल्लाह अल्ला ने उसे चखाया क्या चखाया या पहना दिया या चखा दिया लिबास आई भूख का लिबास वल और खौफ का लिबास बीमा उसके जो वो करते थे जो वो करते थे अल्लाह ने उसके सबब उन्हें क्या किया भूख और खौफ का लिबास पहना दिया और आया उनके पास उन्हीं में से रसूल फ़कू पस उन्होंने जुटला दिया हु रसूल को बस उन्होंने उस रसूल को जुटला दिया उन्हें अजाब ने पकड़ लिया वह और वो करने वाले अब मिसाल का तर्जा आप लोगों ने सुन लिया मिसाल को समझिए सबसे पहले तो यह इस बस्ती से कौन से बस्ती मुराद है बाद मुफसरी ने कहा इससे मक्का की बस्ती मुराद है कि मक्का के लोगों के पास हर तरफ से रिज आता था, था जो हज करने आते जो ये कभी सफर पर जाते तिजारत करते अल्लाह ने उसका जिक्र भी किया सूरत कुरश में तो सूरत हाँ जिली लाफी कुरश के अंदर अल्लाह ने उसका जिक्र भी किया तो इनके पास इनका रेज का आता था, था हर जगह पर इन्होंने ना शुक्री की नबी करीम अलैहि वसल्लम को जुटलाया तोल्ला रबुल्ज़त की सजा ये आई कि अल्लाह ने इनकी ये जो नियमते थी ना अमनो अमान इतमान और रिज की फ्रावानी अल्लाह ने इसको बदल दिया खौफ और बूख के साथ उसके बाद ये डरने लगे और ये भूखे मरने लगे हत्या के अहले मक्का पर ऐसे हालात भी आए कि वो पत्ते खाकर गुजारा किया करते थे अब बाजुल मुफस्रीन ने तो ये कहा और आलम ज्यादा दुरुस्त भी यही मालूम होता है कि इससे मुराद मक्का की बस्ती है लेकिन बाद मुफस्न ने कहा कि ये कोई पिछली गुजरी बस्तियों में से अल्लाह ने कोई मिसाल ब्या की तो बहाल मक्का की बस्ती है या पिछली गुजरी बस्तियों में से कोई भी मिसाल है हमने उससे सबक को हासिल करना है कि अल्लाह की ये जो तीन या दो नियमते हैं ना अमन व की नेमत और रज की फरावानी की नेमत अमन वत्मी और रिज की फरावानी इन नमतों को अल्लाह की नाशुक्री खत्म कर देती है और इनकी बजाय क्या आ जाता है इनकी बजाय भूख और खौफ किसी कौन के लिए इससे बढ़कर अजाब क्या होगा कि कहत साली आ जाए और किसी कौम के लिए इससे बढ़कर अजाब क्या होगा कि वो घरों से निकलते हुए भी डरें वो घरों से निकलते हुए भी डरें अल्लाह ये तो आयात की अल-अलमून दोनों की तफसीर गई यहां पर कुरानी मजीद की बलागत देखिए भूख और खौफ के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए लिबास क्योंकि इंसान का यह लिबास कभी उसके जिसम से अलग होता ही नहीं उन बस्ती वालों को जो भूख और खौफ पहुंचा वो कभी कम होता ही नहीं था कभी कम होता ही नहीं था जैसे लिबास इंसान के जिसम को पकड़ी रखता है बिल्कुल इसी तरह भूख और प्यास ने लिबास बनकर उनका पीछा शुरू कर दिया अल्लाह की आजमाइश थी तो हमें अल्लाह की शुक्र करता रहना चाहिए ताकि ये अमनो इतमान और रिज की फरवानी की नेमते बाकी रहे और जिस बस्ती ने भी अल्लाह का कानून है अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की गुनाहों के साथ फहाशियों के साथ बुरे कामों के साथ और अल्लाह के साथ कुफर करने के साथ जिसके भी ये अमाल हुए तो फिर अल्लाह की तरफ से ये आजमाइशें भी आती हैं कि भूख और खौफ उस कौम के अंदर उस बस्तियों के अंदर उन शहरों के अंदर आम हो जाता है अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं आयत एक 114 और एक सौ पंद्रह है जिसमें अल्लाह इज्जत ने हलाल तबा पाक चीजों के खाने का हुक्म दिया फरमाया फू बस तुम खाओ उसमें से जो राजा का उसने रिस्क दिया रिस्क दिया अल्लाह ने तुम्हें उसमें से खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें हलाल हलाल पाकीजा रिस्क दिया है, तुम उसमें से खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें हलाल और पाकीजा रिस्क दिया है तुम उसमें से खाओ वश और शुक्र करो क्या शुक्र करना है नेमत अल्लाह की नेमत का इन या नुम अगर तुम हो उस एक अल्लाह की इबादत करने वाले अगर तुम हो उस एक अल्लाह की इबादत करने वाले तो अल्लाह का शुक्र करो अल्लाह की नेमत का शुक्र करो अल्लाह आयत नंबर एक सौ पंद्रह चार चीजों के हराम होने का जिक्र है और याद रखिए जब भी कुछ हराम करदा चीजों का जिक्र होता है या जिन कामों से रबुल्जत ने मना करना होता है मन ही याद का जिक्र होता है उनकी तरतीब दो तरह से हो सकती है या तो यह तरतीब होगी कि सबसे पहले जो उनमें सबसे शदीद गुना है या शदीद चीज है या जिसका गुना सबसे ज्यादा है उसको जिक्र किया जाएगा फिर दूसरे नंबर पर उससे कम उससे कम उससे कम या तो ये तरतीब हो सकती है कुरानो हदीस में दूसरी तरतीब यह हो सकती है कि सबसे पहले सबसे कम दर्जे की चीज को जिक्र किया जाए फिर उसके बाद उससे शदीद फिर उसके बाद उससे शदीद और फिर आखिरी नंबर पर जो सबसे शदीद थे तो यहां पर ये दूसरी तरतीब को मद्देनजर रखा गया फरमाया इन नमा हर रामा अलई को मिलमई था इन नमा बस उसने हराम किया तुम पर अलमई तथा मुड़दार अलमई तथा नंबर दो वह और खून नंबर तीन हमल खिंजीर, खिंजीर का गोश का गोश नंबर चार मा ही। और जिस पर का नाम पुकारा जाए से फेल मजूले पैसे जिस पर का नाम पुकारा जाए उसको भी हराम किया गया अच्छा चार चीजों को जिक्र कर दिया कुछ इस्तना भी अल्लाह ने दे दिया इस्तना जिसको मजबूर कर दिया जाए सफर के दौरान अगर वो कोई हराम चीज नहीं खाएगा तो उसकी जान जाने का खदशा है ये मतलब है इस्तिरार, इस्तिरारी हालत आप सुनते हैं ना उलमा उलमिर से इस्तिरारी हालत है एक मजबूरी की हालत है जिसको मजबूर कर दिया जाए लेकिन दो शरूत है गैरा बागिन वला आदिन गैरा बागिन वो खुद तलाश करने वाला ना हो वाला आदिन और हथ से तजावज करने वाला भी ना हो कोई ऐसा बंदा है जिसको मजबूर कर दिया गया सफर में ज्यादा राह खत्म हो गया अब या तो जिंदा बचे या तो मर जाए या जिंदा रहने के लिए कुछ हराम को खाए तो हां यह मजबूर है लेकिन इसके लिए भी शर्त यह है कि यह खुद से हराम की तलाश में ना हो और हद से तजावुज करने वाला ना हो बस अपनी जरूरत के मुताबिक खाए यह मतलब है बला आदिन उतना खाए जिससे वो जिंदा रह सकता है फाइन अल्लाह तो बेशक अल्लाह मुआफ करने वाला करने वाला रहम वाला है अल्लाह अल्ला 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 पहली तो इसके अलावा भी कुरान सुन्नत के अंदर बहुत सी चीजें हराम है लेकिन यहां पर सिर्फ चार चीजों का जिक्र किया गया शदीद हरमत वाली मुड़दार जिस जानवर को हलाल नहीं किया वो मर गया अदमा खून इस खून से मुराद क्या है दमम मसफूहा दूसरी जगह कुरान मजीद की आयत से पता चलती है इससे मुराद वो है जो जानवर को जिबा करते हुए उसका खून बहता है वो खून हलाल नहीं है अलबत् जो गोश काटते वगैरह उसके जिसम के साथ लगा होते हैं उस खून अगर वो यानी गोश के साथ लगा रह जाए तो उस खून को हराम नहीं समझा जाएगा बल्कि जो जिबा करते हुए खून बहता है अरब तो उस खून से फायदा उठाया करते थे उससे फायदा उठाना वो खून हलाल नहीं है बल्कि वो हराम है और लखल खनजीर जो मशहूर जानवर है उसका गोश और जो गैरुल्ला के नाम पर जिसको जिस पर गैरुल्ला का नाम पुकारा जाए तो देखे ना ज्यादा शदीद यह है कि जानवर को जबा करते हुए खून उससे ज्यादा शदीद यह है कि खनजीर का गोश और सबसे ज्यादा शदीद ये है हराम चीजों में जिस पर गैरुल्ला का नाम पुकारा जाए अब गैरुल्ला का नाम पुकारने की दो सूरतें हैं एक तो ये कि जानवर को जिबा करते हुए अल्लाह का नाम छोड़कर किसी गैर का नाम ही लिया जाए कि मैं फुला के नाम पर इसको जिबा कर रहा हूं यह भी हराम है वो भी इसी कैटेगरी में से आएगा दूसरी जो चीज इसी कैटेगरी में से आएगी कि बाज लोग जानवर तो गैरुल्ला के, के लिए ही जिबा करते हैं किसी कबर के किसी दरख्त के किसी पत्थर के तकर्रब के लिए उसके करीब होने के लिए उसको खुश करने के लिए जिबा करते हैं नाम अल्लाह का पढ़ते हैं कहते हैं जी हम तो अल्लाह के नाम पर जिबा करें देखें हमने नाम तो अल्लाह का पढ़ा लेकिन नाम अल्लाह का पढ़ा आप तकर्रब किसका चाह रहे थे देख लीजिए यहां पर वही मिसाल जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं एक सहाबी आए और उन्होंने आकर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ये नजर मानी थी कि बववाना नामी जगह पर जाकर एक ऊंट जिबा करूंगा अब नाउज बिल्ला क्या उस साबी से यह तो की जाती है कि वो वह अल्लाह के नाम पर जिबा करेंगे नहीं नबी करीम ने इतना पूछा बताओ कि वहां बवाना नामी जगह पर गैरुल्ला की इबादत तो नहीं होती थी वहां पर कोई सनम वगैरह तो नहीं था? नहीं था वहां पर जो जहलीत में मेले वगैरह लगते थे क्या कोई मेला वगैरह तो नहीं था फरमाया नहीं अल्लाह के रसूल ऐसी कोई बात नहीं फरमाया जाओ जाकर अपनी नजर को पूरा करो मतलब अगर वहां कोई मेला वगैरह लगा लगता या फिर किसी के नाम पर कोई चढ़ावा वगैरह देने का मकसद होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी उसको इजाजत ना देते तो याद रखिए ये जो शुबा बयान किया जाता है ना कि जी हम तो अल्लाह के नाम पर िबा कर रहे हैं ठीक है अल्लाह के नाम पर कर रहे हैं लेकिन अल्लाह के नाम पर करने है आप अपने घर में भी तो कर सकते हैं उस जगह पर जाकर जिस जगह अल्लाह के साथ शिरक भी हो रहा है बिदात भी और ये खास उस जगह पर जाकर ज़िबा करना या चढ़ाना इसका क्या मकसद है तो हर वो चीज जिस पर गैरुल्ला का नाम पुकारा जाए या गैरुल्ला के कुर्ब के लिए उस चीज को कुर्बान किया जाए या दिया जाए याद रखिए शरीयत इस्लामिया में वो जायज नहीं और ना ही उसका खाना शरीयत इस्लामिया में जायज़ है तो सफा नंबर दो सौ अस्सी का आखिरी मौजू मशरकिन मक्का हलालो हराम को बयान करने में अपने पास से जूठ बा करते थे और इसकी तफसल सूरत सूरत में बड़ी तफस से हम पढ़ चुके हैं जानवरों में से कहा करते हैं मसलन किसी के पास दस ऊंट ये जो दो ऊंट है ना ये मुझ पर हराम है क्योंकि ये मैंने फुला फुला के नाम पर खास कर दी है तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको कह रहे वला और ना तुम कहो लिमा तो अलसी न तो तुम्हारी जुबान बयान करती हैं लिसान की जमाल सीना जो तुम्हारी जुबान बयान करती हैं अलकदीबा झूठ ये जो जुबा तुम्हारी झूठ बयान करती है ना तुम ऐसे ना कहो हादा हलाल उन वो झूठ क्या है यह हलाल है वह हादा हराम उन और ये हराम है तुम अल्लाह पर झूठ बांधो देखे ना अल्लाह पर झूठ बांधा इसे क्यों कहा गया कि अल्लाह ने तो हराम नहीं किया तुम कौन होते हो अल्लाह की चीजों में से किसी को हलाल और किसी को हराम करने वालों याद रखिए शरीय साजी का इख्तियार हलाल और हराम का इख्तियार ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास अल्लाह ने अपने नबी और जरिए हमें तालीमी का का हम तो पर झूठ बांधते हो तुम्हारी जुबान जूठ कहती हैं तुम ऐसे मत कहो कि यह हलाल है और यह हराम है वजह इन बेशक वह लोग जो हैं या गढ़ते हैं जूठ लाफली वो फला नहीं पाएंगे मता उन कलील थोड़ा सा फायदा है वो आजाब उनम और उनके लिए दर्दनाक अजाब है अल्लाह इन आयात के बाद जो यहूदी हैं आयत नंबर एक सौ अठारह में यहूदियों का एक अमल बताया जा रहा है वह और उन लोगों पर जो यहूदी हुए हर रमना हमने हराम किया माँसना

जुर्म करते हुए बजाते खुद अपने हराम किया इस चीज़ की तफसील भी सूरत के अंदर हम पढ़ चुके हैं यहाँ मुशरकिन मक्का के, उन आमाल के साथ यहूद के भी नमल का इस अमल की तरफ इशारा कर दिया गया तो जी सूरत नहल का और चौदहवें पारे का आखिरी पेज है सफर नंबर दो सौ इक्यासी है चौदवें पारे का पेज नंबर बीस है चले हम इस पेज को पढ़कर अपने इस पारे को अपनी सूरत को अल्लाह की तोफीक से मुकम्मल करते हैं हम গুনাহগারের জন্য खुशखबरी फरमाया ثم ان ربك फिर बेशक आपका रब للذین عملوا السوء वो लोग या उन लोगों के लिए जिन्होंने बुराई को किया गुनाह को किया बिजहालन जहालत की वजह से ला की वजह से जिन्होंने कोई गुनाह ला में कर लिया मतलब ये जितनी भी पीछे चीजें जिक्र हुई हलाल हराम अगर किसी ने कोई भी ऐसा गुनाह का काम लामी जहालत में कर लिया हाँ करने के बाद सुमताबू, फिर उसने तोबा की फिर उन्होंने तोबा की दाली का, इसके बाद वह असलहू और उन्होंने इसलाह की तोबा की और इसलाह की इन अरबा का बेशक आपका रब मिम्बादिहा इसके बाद लागफो और करने वाला रही रहम करने वाला है फिर आपका रब इसके बाद अल्बत्ता मुआफ करने वाला रहम करने वाला है अल्लाह अकबर आपके में है सूरत नाहल के बिल्कुल इब्तदा में बताया गया था कि इस सूरत में हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम और उनकी मिलत का जिक्र है तो ये वो आयात हैं, ये वो तीन आयात हैं आयत नंबर एक सौ बीस एक सौ इक्कीस एक सौ बाईस बड़ी खूबसूरत आयात जिनमें हजरत इब्राहिम आलिम का जिक्र है तो इन आयात पर मैं दोपहर के वक्त बैठा गौरव फिकर कर रहा था तो मुझे पता चला कि अल्लाह रुलत ने यहाँ हजरत इब्राहिम आल्लाम की चार सिफात को जिक्र किया और फिर उन पर चार इनामात को जिक्र किया जरा गौर करें कुरान में तदब्बर करें इन न इब्राहिम बेशक इब्राहिम आसलाम का न उम्मतन वो अकेले एक उम्मत थे यहां उम्मतन दो मना में हो सकते या तो ग्रोह के माना में वो अकेले एक ग्रोह थे या दूसरा माना यह है कि वो हजरत इब्राहिम आलिम कायद थे उम्मत कायद के माना में भी इस्तेमाल होते हैं हजरत इब्राहिम एक कायद थे या वो अकेले उम्मत थे नंबर एक सिर्फ नंबर दो कौनिता अल्लाह के फर्मा बरदार थे कौनत यकन फाइल अल्लाह के फर्मा बरदार थे नंबर तीन हनीफन यकसू थे क्या थे यकसू यक तरफा मतलब एक अल्लाह की तरफ लग जाने वाले वो यकु मीन मुशरकिन मुशरक में से नहीं थे वो तो अपने रब की तरफ यकसू थे वो मशरकिन में से नहीं थे आज अगर यह सारा ये कहते हैं कि हजरत इब्राहिम आल्लाम यहूदी थे ईसाई थे तो अल्लाह ने फरमाया हजरत इब्राहिम आसलाम तो हनी वो एक अल्लाह की तरफ जुड़ जाने वाले थे वो कोई मुशरक तो नहीं थे ये मुशरक है ये अपनी नस्बत हजरत इब्राहिम की तरफ करते हैं वो कोई मुशरक तो नहीं थे नाउज बिल्ला चौथी सिर्फ शाह वो अल्लाह की नेम तो पर शुक्र करने वाले थे ये उनकी चार सिफात हैं अल्लाह के इनाम क्या हैं इज तबाह अल्लाह ने उनको चुन लिया इज तबाह इख्तलफा के स्टाइल पर कमजोर चैप्टर है इज तबाह उस अल्लाह ने चुन लिया उसको नंबर दो वाह और अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी इला से रात मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ अल्लाह ने उन्हें चुन लिया और अल्लाह ने उन्हें सीधे रास्ते की सरात मुस्तकीम की हिदायत दी नंबर तीन व आते ही ना हूँ फिर दुनिया हसना और हमने उन्हें दुनिया में भी इसका बेहतरीन बदला दिया हसना हमने दुनिया में भी इसे उनका बेहतरीन बदला दिया हसना नंबर चार व इन न हूँ फिल आखिर और बेशक वो आखिरत में भी नेकोकारों में से हैं आखरत में भी वो सालहीन में से हैं और दुनिया में भी हमने उसे हसना भलाई अता की हमने उसे सिरात मुस्तकीम की हिदायत दी और हमने उसे चुन लिया तो ये अल्लाह के उन पर चार इनाम है और ये उनकी चार सिफात हैं अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का यह तज़किरा करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुक्म दिया थुम्म औहैना इलैक फिर हमने आपकी तरफ वही की क्या अनित्तबिअ ये पैरवी कीजिए मिलता इब्राहिमा इब्राहिम की मिलत की हनीफन होकर या वो यकसू थे वह मां क्या नाम और मुशरकों में से नहीं थे और वह मुशरकों में से नहीं थे फिर हमने आपकी तरफ वही की कि हजरत इब्राहिम का जो दीन था और वह दीन क्या था वो एक अल्लाह की इबादत करना थी वो सबसे कट कर एक अल्लाह की तरफ जुड़ जाना था अगर अल्लाह के दीन के सामने कुछ कुर्बानी देनी पड़ी अपने वतन को छोड़ने की एलो यार को छोड़ने की तो उस कुर्बानी से भी पीछे नहीं हटे वो अमा कहना मीनल मुश्री इन नमा अख्तलाफु बस हफ्ते का दिन तो बनाया गया था असब का क्या मतलब है जी हफ्ते का दिन जो अला फेल मजूल है बनाया गया था हफ्ते का दिन आल्ल अख्तलफुफी उन लोगों पर जिन्होंने इसमें इस इख्तलाफ किया

और नसारा के लिए इतवार का दिन और हम अहले इस्लाम के लिए मुसलमानों के लिए जुमे का दिन अल्लाह रबुलजत ने इनको बरकत वाला बनाया तो यहूद ने इस दिन को मंतखब करने में हजरत मुसालाम से इख्तलाफ किया और बावाल यह है कि यहूद नसारा का आपस में इख्तलाफ हो गया कि एक ने कहा अगर उनके लिए हफ्ते का दिन है तो दूसरों ने कहा नसारा ने कि हम हफ्ते का दिन नहीं रखेंगे हम इतवार का दिन रखेंगे समझा की जी तो ये फरमाया कि ये जो हफ्ते का दिन है ये करने वालों पर बनाया गया था इससे मुराद यहूद उनके लिए हफ्ते का दिन है अल्लाह अकबर हमारी सेकंड लास्ट स्लाइड है और आपको याद होगा सूरत नहल की बिल्कुल इब्तदा मैंने बताया था कि इस सूरत के बिल्कुल आखिर पर सूरत का आखिर है देखिए पूरा निचोड़ है इस सूरत का समरी है आखिरी आयात के अंदर ये जो आयत है इतनी अजीम आयत है आयत नंबर एक हर मुसलमान खास कर जो अल्लाह की तरफ दावत देने वाला है अल्लाह की तरफ बुलाने वाला है उसको ये आयत जुबानी याद भी होनी चाहिए अरबी में और इस आयत के को दावत अल्लाह की तरफ दावत देने में इसको प्रैक्टिकल भी इस आयत का वो करे आयत क्या है उद बुलाइए इला सबी रबी का अपने रब के रास्ते की तरफ बिलहिकमती हकमत के साथ वल मो आदत हसनती और अच्छी नसीहत के साथ हसना के साथ नंबर तीन वह और उनसे मुजादला कीजिए उसके जरिए जो ही अहसन जो ज़्यादा अच्छा है उनसे अगर मुजादला करना पड़े तो उस तरीके पर करें जो ज्यादा अच्छा है अहसन इसम तब्दील ज्यादा अच्छा है इन और का हुआ अलमू आपका रब ज्यादा जानता है किसको बीमंदी ही जो उसके राह से गुमराह हुआ वह हुआ अलमू और वह ज्यादा जानता है बिलमुहतिन हिदायत वालों को जो अल्लाह की राह से गुमराह हुआ अल्लाह उसको भी ज्यादा जानता है और जो हिदायत पर है अल्लाह उसको भी ज्यादा जानता है आपने क्या करना है आप हिकमत मोइद हसना और मुजादला के साथ उस तरीके से मुजादला मुजादला का मतलब बहस मुबास करना बहस मुबास करने की जरूरत भी पड़े तो वो तरीका इख्तियार करें ही जो सबसे अच्छा है इस आयत को किराम ने मुफसरीन ने क्या कहा कि ये दावत के जो बेसिक थ्री रूल्स हैं ये वो है हिकमत के साथ और याद रखिए हिकमत कुरान सुन्नत है मोहदा हसना के साथ अच्छी नसीहत कुरान हदीस की नसीहत और मुजादला करने जो सबसे अच्छा तरीका है उस तरीके के साथ जिसमें उसकी दिल आरजारी नहीं है उसको नीचा दिखाना नहीं है उसको बुरा भला कहना नहीं है उस पर गालिबाना जुलमो ज्याति करना नहीं है बल्कि उसकी हिदायत मकसद है कि अगर वो सही रास्ते से हट भी गया तो मैं उसके साथ बहस मुबास करूं शायद वो अल्लाह उसको हिदायत अदा करे दोबारा हिदायत की तरफ पलटे समझा गया जी बाकी तफसर के अंदर मजीद बातें भी की जा सकती है बहाल दावत के रूल के अंदर यह होना चाहिए हमत के साथ हिकमत कहते हैं कि तमाम तरीकों में सबसे अच्छा तरीका रखा जाए कि इस शख्स तक मैं कैसे दीन की दावत को बेहतरीन अंदाज में पहुंचा सकता हूं हिकमत ये है और हर दाई देखे मुआरों के अतबार से ये हिकमतें मुख्तलफ भी हो सकती हैं एक माशरे के लोगों का मिजाज कुछ है उनके मुताबिक दावत का एक तरीका दूसरे इलाके के मुआरे के लोगों का मिजाज कुछ है उनके मुताबिक दावत का दूसरा तरीका हमत के साथ अच्छी नसीहत के साथ और मुजादला बहस करनी पड़ी तो उस तरह करें जो सबसे बेहतर है अहसन तरीका है तो इज़्ज़त की तौफीक से सूरत की आखिरी तीन आयात आयो छब्बीस और अठाईस फरमाया व इन आकबतुम और अगर तुम बदला लो पस बदला लो से पहले फेल माजी है आकब फो पस बदला लो कैसे भी मिसली माउकीब तुम भी उसकी मिसाल या जैसा माऊकिब तुम भी तुमसे किया गया है मतलब अगर तुम पर कोई जुल्म हुआ तुम उसका बदला लेना चाहो तो वैसा ही बदला लेना जैसा तुम्हारे साथ किया गया ये नहीं कि किसी ने एक उंगली काटी तुमने दो उंगलियां काटनी है अगर कोई माफ ना करना चाहे बदला लेना चाहे तो बदले में एक उंगली ही कटेगी समझा कि न मिथली माओ की तुम भी ही जैसी आजमाइश तुम पर आई या तुम्हें आजमाया गया तुम्हें सजा दी गई उसी के मुताबिक वो इन सबर तुम और अगर तुम सबर करो बदला ना लो लाहो अखीर साबरीन तो वो सबर करने वालों के लिए बेहतर है और फिर हुक्म दे दिया वसबिर बिर कीजिए वमा सबरु का इल्ला बिल्ला और नहीं है आपका सबर मगर अल्लाह पर वला तहजन अलैहिम और उन पर गमगी ना हो वाला और आप तंगी में ना हो जाए उस चीज से जो वो मकर करते हैं जो वो मकर करते हैं आप उस चीज से तंगी में ना जाए क्योंकि नबी करीम सलम साहब कराम का बात सीने में यह तंगी होती कि इनके कैसे अमाल है तो फरमाया आप ना उन पर गमगी हो ना आप उनके मकरों से उनकी चालों से आप तंगी में आए क्यों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बेहतरीन तसल्ली दे दी आखिरी आयत में आयत नंबर एक सौ अट्ठाईसो बेशक अल्लाह तकबा वालों के साथ है वल्लदीन हुम मुहसिनून और वो लोग जो एहसान करने वाले हैं अहले तकवा और अहले एहसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके साथ है इससे मुराद अल्लाह की खास मईत है अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद है इससे वो मुराद है कि अल्लाह तकवा और अहल एहसान के साथ है तो मक्की सूरत है मक्की सूरत के मौजूद के अंदर यकीन एक मौजू नबी करीम सल व्म और साहबा कराम को सबित क़दमी दिलाना और उनको तसली दिलाना भी होता है तो मक्की सूरतों के अंदर हम इस चीज़ का मुशाहदा करते रहते हैं तो अलहमदिल्ला रब्ज़त की तोफ़ी से हमारा चौदवा पारा और सूरत नाहल जो है वो मुकम्मल होती है अल्लाह रबुज़त को मंजूर फरमाए और अगर दुरुस्त है तो अल्लाह इज़्ज़त अपनी बारगाह के अंदर कबूल फ़रमाए और अगर कोई भी ऐसी बात जो ग़लत थी वो मेरी ज़ुबान से निकली तो यकीन वो मेरी कम इमी है मैं तलब इलम हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे दरगुजर फरमाए अल्लाह उस पर हमारा मुआवजा ना करे या वो शैतान की तरफ से है अल्लाह हमसे दरगुजर फरमाए अच्छा सीखने और कोर्स से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए रोज़ाना का सबक दोहराइए साथ साथ लिखिए लि और नोट्स को मुकम्मल कीजिए जो पढ़ते हैं उसे किसी को पढ़ाने की कोशिश करें